हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज की हमारी रेसिपी है बीट रूट की पूरी, मतलब कि चुकंदर की पूरी बनाने वाले हैं हम, एकदम रेड रेड और बहुत ही फूली फूली। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का बीट रूट लिया था, मतलब कि चुकंदर लिया था, जिसे कि बहुत अच्छी तरीके से धो करके छील करके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और फिर से एक बार मैंने धो लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा पकाने वाले हैं, तो चलिए आगे की स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और इसमें ये बीट रूट के पीसेस डाल दिए हैं। साथ ही में हम पानी डाल देते हैं, लगभग 3 बड़े चम्मच जितना पानी मैंने डाल दिया है, जितने में ये बीट रूट के पीसेस डूब जाए सिर्फ इतना ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 4 से 5 मिनट तक उबाल लेना है। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए, इस तरीके से हल्के से ट्रांसलूसेंट दिखाई देने लगते हैं, मतलब कि कलर हल्का सा इनका उड़ जाता है। अब ये रेडी हो गए हैं, मतलब अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इन्हें ठंडा हो जाने देंगे। तो यहाँ पर इसे 10 से 15 मिनट लगे हैं, मुझे जल्दी नहीं थी इसीलिए मैंने इसे ऐसा ही छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। आपको जल्दी है तो पीसेस निकाल करके अलग रख दें, उन्हें हवा में रख दें ताकि वे जल्दी ठंडे हो जाएं। अब मैंने मिक्सर का जार ले लिया है, इसमें हम ये बीट रूट के सारे पीसेस डाल देंगे पहले। तो पूरे पीसेस यहाँ पर डाल दिए और यही वाला पानी थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसकी एक बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बना करके रेडी कर लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से पीस लेना। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, अभी मैंने थोड़ा डाला है, बाकी का हम और डाल लेंगे ज़रूरत लगेगी। तो अब इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है, पूरा पानी लग गया है और ऊपर से 1 बड़े चम्मच जितना पानी और भी लग गया है यहाँ पे। तो एकदम परफेक्टली मैंने इसे पीस करके रेडी कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम आटा लगा लेते हैं पूरी के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर आटा लिया है, रेगुलर आटा जो कि हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं वही आटा लिया है, गेहूं का आटा मैंने। इसमें नमक डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पे 3/4 छोटा चम्मच जितना नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हल्दी पाउडर डाल देंगे बिल्कुल 1/2 छोटा चम्मच जितना, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अजवाइन डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच जितना, हल्का सा क्रश करके डाल दिया है। और कुछ मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, जो भी आपके पसंद की चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है। अब ये प्यूरी डालेंगे हम थोड़ी थोड़ी और इसे मिक्स करते जाएंगे और एक टाइट आटा लगा लेंगे जैसा कि हम पूरी के लिए लगाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक टाइट आटा लगा लिया है, और यदि आपकी प्यूरी ज़्यादा हो जाए तो आटा थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा सख्त आटा जैसा कि पूरी के लिए लगाते हैं ऐसा आटा लगाकर तैयार कर लिया है। इसमें 1 छोटा चम्मच जितना तेल डाल दिया है और तेल डालकर हम इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पे आटा हमारा लग करके हो गया एकदम परफेक्टली रेडी, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है आटे को, इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसे कवर करके रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा देर के लिए ना रखें। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे एक बार फिर से हाथों से हल्का सा स्मूथ कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे इनकी बॉल्स बना लेते हैं। तो जितनी बड़ी पूड़ियाँ आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बॉल्स बनाकर रेडी कर लीजिए। तो टोटल यहाँ पे 9 बॉल्स बनी है, मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाई है, यदि आप थोड़ी छोटी बनाते हैं तो टोटल 10 पूड़ियाँ बन करके रेडी होंगी इतने आटे से। तो अब हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं इस तरीके से, लोइयाँ बन करके रेडी हो गई हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं पूरियाँ तलने के लिए। तो गैस का फ्लेम मीडियम रख के मैंने तेल रख दिया है और अब हम एक लोई ले लेंगे और इस पर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, सूखे आटे से पूरी ना बेलें, नहीं तो जो हमारा तेल है उसमें आटा दरदरा थोड़ा थोड़ा होता जाता है जिससे कि तेल खराब हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों साइड थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, लगभग 2-3 बूंद जितना, और यदि आप चाहें तो बेलन पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं और इस तरीके से हम पूरी को बेल लेंगे। तो जितना आपको पसंद है छोटा बड़ा उस हिसाब से बेल लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नॉर्मली जैसे हम पूरियाँ बेलते हैं उस तरीके से हमें बेल करके रेडी कर लेना है। तो एक पूरी यहाँ पे मैंने बेल करके रेडी कर ली है, अब बाकी की पूरियाँ भी बेल लेते हैं, सेम इसी तरीके से बेलना है, हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है यहाँ पे। तो ये मेरी दूसरी पूरी भी बेल गई है, क्योंकि पूरी की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे मैं सिर्फ 8-9 पूड़ियाँ बना रही हूँ तो मैं एक साथ बेल कर रख रही हूँ। यदि आप बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो 5-6 एक बार में बेल लें, उन्हें फ्राई कर लें, फिर से गैस को फ्लेम लो करके फिर बाकी की पूरियाँ बेल करके बना लें। तेल अच्छा गर्म हो गया है, अब हम इसमें पूरी डाल देते हैं। तो ये मैंने पूरी डाल दी है, जैसे ही हम पूरी डालें पूरी उठ करके ऊपर आनी चाहिए, इसके बाद हम इसे हल्का हल्का सा दबा देंगे, पूरी फूल जाएगी।
पाँच से छः सेकंड नीचे साइड रहने देंगे, इसके बाद हम पलट लेंगे और लगभग 8 से 10 सेकंड इस दूसरे साइड भी हम इसे इस तरीके से चलाते हुए दबाते हुए अच्छी तरीके से सेक लेंगे। एकदम हाई फ्लेम रखनी है, तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए नहीं तो पूरी फूलेगी नहीं। पूरी बनकर के तैयार हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और सेम इसी तरीके से बाकी पूरियाँ तल लेते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखना है, तेल को बिल्कुल गर्म रखना है। पूरी डालेंगे वो उठकर ऊपर आएगी, हल्का सा दबाएंगे और इसके बाद 5-6 सेकंड नीचे साइड रखेंगे, पलट देंगे और दूसरे साइड भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डुबाते हुए ताकि किनारे भी अच्छे सिक जाए, सेक करके निकाल लेंगे। तो इसी तरह मैंने सारी पूरियाँ बना करके रेडी कर दी हैं, एकदम क्रिस्पी सी भी बनी है और बहुत ही बढ़िया बनी है। साथ में टेस्ट नॉर्मल पूरी जैसा ही है। आप इसे अचार के साथ या सब्जी के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।